अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सूखा गोश्त की रेसिपी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक तेज़पत्ता लिया है, साथ में 3 हरी इलायची ली है, 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं तकरीबन 1-1 इंच का, 4 लौंग लिए हैं और 2 खाने का चम्मच हमने यहाँ पर धनिया लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा लिए हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सूखी लाल मिर्च लेना है और 12-15 करी पत्ता ले लेना है। और इसे पहले हम भूनेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए भून जाएगा। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल और इसे भी साथ में अब हमने भून लेना है जब तक ये करी पत्ता अच्छा क्रिस्पी ना हो जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर सारे मसाले से ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, करी पत्ता भी अच्छा क्रिस्पी हो गया है। मसाले को हमने एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल दिया और इधर एक कुकर में हमने तेल चढ़ा दिए थे, तकरीबन 1/2 कप के जितना तेल गर्म हो गया है। तो 3 मीडियम साइज़ का प्याज हमने ले लिए हैं, करीब 200 ग्राम के आसपास ये प्याज है जिसे हमने फ्राई कर लिया है गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तो इसमें मैं 3 पाव यानी 750 ग्राम गोश्त इसमें मैं ऐड करी हूँ। गोश्त को अच्छी तरीके से धो करके हमने छन्नी पे डाल दिया था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए इसके लिए। और हाई फ्लेम पर आपको 4 से 5 मिनट गोश्त को भून लेना है। उसके बाद 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च भी हमने 1/2 चम्मच ही ऐड किए हैं और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और 3 से 4 मिनट देखिए हल्दी और मिर्ची डाल के हमने इसे भून लिए हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो 3 मीडियम साइज़ का हमने टमाटर लिए हैं और 1 प्याज हमने कच्चा इसमें काट करके डाले हैं। और इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो मैं यहाँ पर पैकेट वाला ले रही हूँ, तो 2 पैकेट डाल रही हूँ। ये 5-5 वाली कुछ पैकेट है तो 2 पैकेट डाल दे रहे हैं। और अगर घर का यूज़ कर रहे हैं तो 2 खाने का चम्मच ले लीजिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे बस मिक्स करना है और पानी डालना है, अभी हमें इसे भूनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और बस मिक्स करके हमने इसमें 6-7 सीटियाँ ले लेनी है जब तक ये गोश्त अच्छी तरीके से गल ना जाए। तो देख लीजिए यहाँ पर ये गोश्त हमारे गल चुके हैं, हड्डी देखिए साइड हो गए हैं, निकल गए हैं हड्डी। तो अब हमने इसमें जो मसाला भुना था उसको पीस करके इसमें हमने डाले हैं और अब हम मसाले के साथ इसे हम बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो धीमी आंच पर देखिए हमने गोश्त को अच्छी तरीके से भून लिया है क्योंकि ये सूखा गोश्त है तो इसमें पानी वगैरह अब नहीं जाएगा। अब हमने इसमें डालना है लाल हरी मिर्ची, तो 3-4 हमने हरी मिर्ची ले लेना है टेस्ट के हिसाब से। धनिया पत्ता लेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे और इसे गर्मा गर्म रोटी चावल चपाती पूरी के साथ आप इसे खाइए, नान के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।